गया था तब मेरे सामने डीआईजी महोदय, एसपी और डीएम आपस में ये डिस्कशन कर रहे थे कि तुरंत गोली चलाने का आर्डर लिया जाए। पुलिस गोली हमारे सामने चला रही थी, मैं मौके पर मौजूद था। देखिए पुलिस के हाथ में देसी कट्टे भी थे। ये जो पंक्ति है आपको पहली बार में पकड़ में आ जाएगी। उन्होंने स्वयं किया कहा कि दंगाइयों की ओर से गोली फायरिंग हो रही थी, ये उन्होंने स्वयं बोला और स्वयं ही बोल रहे हैं कि पुलिस भी फायरिंग कर रही थी। उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हुई हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन ने जामा मस्जिद के सदर और वकील जफर अली को पूछताछ के लिए बुलाया है। उन पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भड़काऊ भाषण देने के आरोप हैं, जिसे लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर उनकी एक वीडियो पोस्ट की और पुलिस पर उन्हें हिरासत में लेने के आरोप लगाए हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने 26 नवंबर की रात 11 बजे एक वीडियो ट्वीट किया, जिसमें जफर अली को पुलिस अपने साथ लेकर जा रही है। अखिलेश ने अपने एक्स अकाउंट पर सरकार पर सवाल उठाते हुए लिखा, शांति सबको विश्वास में लेने से आएगी, किसी को हिरासत में लेने से नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार शांति की बहाली के लिए सही कदम उठाए, ना कि किसी को उकसाए। एक बार हम फिर सबसे अमन चैन की अपील करते हैं। माना शासन प्रशासन अपना सही किरदार नहीं निभा रहा है, पर समझदार जनता सब समझते हुए एक दूसरे पर एतबार करे, ना कि किसी के बहकावे में। अवाम की एकता ही समाज को बांटने वालों की साजिश को नाकामयाब करने का सबसे अच्छा जवाब है। शांति और विश्वास जितनी जल्दी कायम होगा, नफरत की सियासत करने वाले उतनी जल्दी ही हारेंगे। अब आपको बताते हैं कि आखिर पुलिस ने जफर अली को पूछताछ के लिए बुलाया क्यों था। दरअसल 25 नवंबर को जफर अली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि पुलिस ने भीड़ को शांत करवाने के दौरान प्राइवेट हथियारों का इस्तेमाल किया है, प्राइवेट असले वहां पर इस्तेमाल हुए हैं, जिससे 4 लोगों की मौत हो गई। आप सुनिए पहले जफर अली की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाए। ये सिर्फ और सिर्फ, मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, कि पानी छोड़ देने से हुआ है। पानी छोड़ने से तमाम पब्लिक भ्रम में आ गई और उन्होंने ये कहा कि बगैर किसी सूचना के खुदाई कैसे हो रही है। एसडीएम कौन थी ये? संभल, एसडीएम संभल, एसडीएम संभल ने जिद की वहाँ पर कि इसका पानी खाली कराया जाए, जबकि एसपी महोदय और डीएम महोदय ये कह रहे थे कि नहीं, डंडे से नाप लो। जैसे ही पानी छूटा तमाम पब्लिक में भ्रम फैल गया कि उसकी जामा मस्जिद की खुदाई हो रही है। हम लोग चूँकि मस्जिद सर्वे मस्जिद परिसर में मौजूद थे और हमने अनाउंस भी किया, पब्लिक को समझाया। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक और कहना चाहूँगा कि पूरी तरीके से ये एसडीएम संभल और सीओ संभल की साजिश से हुआ है। हाँ, मैंने की थी। वो ये था कि मैं मौके पर उस टाइम गया था, मुझसे डीएम साहब ने कहा था, एसपी साहब ने कहा था कि आप मौके पर जाएं और भीड़ को आप सेटिस्फाई करें। मैं गया था, तब मेरे सामने डीआईजी महोदय, एसपी और डीएम आपस में ये डिस्कशन कर रहे थे कि तुरंत गोली चलाने का आर्डर लिया जाए। पुलिस गोली हमारे सामने चला रही थी, मैं मौके पर मौजूद था। पब्लिक की तरफ से मेरे सामने कोई गोली नहीं आई। देखिए पुलिस के हाथ में देसी कट्टे भी थे, ये कहना गलत है। वो एक दूसरे को क्यों मारेंगे? अगर उन्हें फायरिंग करनी थी तो पुलिस की तरफ करते, वो पब्लिक में क्यों करेंगे? ये एक सोचने वाली बात। इसी पीसी के बाद जैसे ही पुलिस ने जफर अली को डिटेन किया, उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तैरने लगा, जिस पर पुलिस और प्रशासन को भी सफाई देने के लिए सामने आना पड़ा। जो उन्होंने बयान दिया उसको कृपया करके विवेकपूर्ण तरीके से 3-4 बार सुनिए। ये जो पंक्ति है आपको पहली बार में पकड़ में आ जाएगी। उन्होंने स्वयं किया कहा कि दंगाइयों की ओर से गोली फायरिंग हो रही थी, ये उन्होंने स्वयं बोला और स्वयं ही बोल रहे हैं कि पुलिस भी फायरिंग कर रही थी। कभी बोल रहे हैं कि पुलिस अपने असले से फायरिंग कर रही थी, कभी बोल रहे हैं कि तमंचे से फायरिंग कर रही थी। इसका अर्थ ये है कि ये जब भ्रम फैला रहे थे, क्योंकि जो भ्रामक व्यक्ति होता है, जो सच नहीं बोल रहा होता है, उस व्यक्ति के पास कोई चीज़ एक तरह से क्या मैं बोलूं क्या नहीं बोलूं, क्या सही है क्या गलत है, तो बीच में सही गलत चीज़ें निकलती रहती है। तो इन्होंने स्वयं बता दिया कि जो दंगाई थे वहां से फायरिंग हो रही थी। वैसे कुछ उनका वीडियोस वगैरह वायरल हो रहा था, हम लोग उसको वेरीफाई कर रहा था। एक्चुअली उन्होंने कुछ कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट दिया था और उसीलिए उनका हम लोग लिया कि पूछताछ कर, भाई आपने स्टेटमेंट किस आधार पर दिया, क्या है आपके पास है, और उसको उनसे बातचीत करने में जो भी उनका स्टेटमेंट है उस पर कुछ शांति भंग हो सकता है, उसके बाद उनके क्लारिफिकेशन देने के लिए उनसे बुलाया, हमने बातचीत करवा रहा है और कुछ नहीं। पुलिस की सफाई के बाद जफर ने भी मीडिया से बात की, हालांकि इस दौरान उन्होंने खुलकर किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। उन्होंने बताया कि उनकी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं है, इसलिए वो इस मामले पर बाद में बात करेंगे। ये मुझे बुलाया गया था, मैं आ गया।
अब मैं घर जा रहा हूँ। नहीं नहीं, पूछताछ के लिए आपको बुलाया पुलिस वगैरह, हाँ। सिर्फ ऐसी बात करने के लिए बुलाया, पूछताछ करने के लिए बुलाया, हाँ। कि ये पीसी जो दी है हमने, इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। पुलिस कह रही है कि आपने सारी गलत बयानी की है हर चीज की। नहीं देखिए, वो तो बात की बातें हैं, पुलिस तो यही कहेगी गलत है। अब ये वो क्या कहती है क्या नहीं कहती है उसका कोई मतलब नहीं। आपने एसडीएम संभल चलिए, संभल पर जो आरोप लगाए उनको खारिज किया है। नहीं अभी को किसी तरह का आरोपों पर कायम है अभी भी। ऐसे मैं थोड़ा टाइम लूंगा, मैं थोड़ा टाइम, इस टाइम मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इस टाइम मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। संभल जामा मस्जिद सर्वे को लेकर लगातार विवाद जारी है। आपको ये भी बता दें कि बीते दिनों संभल स्थित जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने का दावा पेश करते हुए एक याचिका पेश की गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने मस्जिद में सर्वे के आदेश दिए। पहला सर्वे फैसले वाले दिन की शाम को ही हो गया था, जिसके बाद दूसरा सर्वे करने पहुंची टीम की सुरक्षा में तैनात पुलिस पर भीड़ ने पथराव कर दिया। इस दौरान काफ़ी देर तक पुलिस और पत्थरबाजी कर रही भीड़ के बीच झड़प हुई। इस घटना के दौरान 4 लोगों की मौत भी हो गई थी। घटना से जुड़े और भी अपडेट्स हम लाते रहेंगे। इस स्टोरी के लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारे साथी आर्यन ने। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।